जैसे चाय का स्वाद बिना शक्कर के नहीं, वैसे पूरे पबजी में हमारे कोई टक्कर का नहीं। हेलो अपने पबजी की जनता, अरे हंसना जहाँ तो जो बनता। तो भैया हम आ चुके कैसे हैं आप सभी के लिए एक मस्त फ्रेश ताज़ा गेम प्ले लेकर के, जिसमें हम आपको खिलाएंगे तो बहुत पबजी आ महंगा गई गिलेज चिकन। साथ ही क्वेश्चन। साथ आप चाहो तो इसे कह सकते हो सस्ता चिकन, क्योंकि अभी बर्ड फ्लू फैला हुआ तो अभी चिकन सस्ते ही नहीं मिल रहा। तो भैया हम आते हैं स्कूल, स्कूल में आते हैं कोई बंदा भी नहीं आता। तो भैया देखो एक बंदा बहुत लेट लैंडिंग, भैया ने शायद से आज ही पबजी इंस्टॉल किया था तो लैंडिंग वंडिंग करने में थोड़ा लेट हो गए। पीछे हमारे बॉट अंकल आते हैं, उनको मारने के बाद हम क्या करते हैं भैया, आते हैं यहाँ, यहाँ पे बहुत देरी से फाइट हो रही थी, हम उनको बहुत ही दूरबीन वूरबीन लगा के ढूंढ रहे थे। तो भैया ने पीछे से फायर करता है। भैया देखो पीछे से मत फायर करो यार, पीछे से फायर करने वाले को बहुत जोर मारते हैं। पहले देखो क्या करें, हम हीलिंग लगाएंगे, क्योंकि अगर भैया जब ताकत ही नहीं रहेगा तो फिर हम आपको कैसे मारेंगे भैया, इसी के लिए पहले हीलिंग लेते हैं। उसके बाद जब तक का ये वाला अपडेट है भैया, तब तक का स्पॉट इसका बन फ़ायदा गया। उठा लेते हैं। तब तक देखो भैया एक बंदे को बहुत जल्दी रहता है, हमारे बंदूक से निकली गोली खाने का, तो भैया इनको खिला देते हैं। उसके बाद हम फिर से थोड़ा हीलिंग कर लेते हैं भैया, बैंडेजेस लगा लेते हैं, बैंडेजेस वाओ लगा लेते हैं। उसके बाद फिर जब तक ये वाला अपडेट है उसका फ़ायदा उठा लेते हैं। उसके बाद हम फिर ऊपर आते हैं, ये चच्चा को थोड़ा जल्दी था, रोलर लेके आ रहे थे, इनको भी थोड़ा भर देते हैं क्योंकि इनको जल्दी था, उनका मम्मी ने उनको बोला था कि जल्दी आओ बेटे सामान लाना है, तो इन भाई सबको हम भेज देते हैं। अब क्या होगा, एक चच्चा देखो पीछे से आया, हमें कट्टा लेके मारने हुआ, भैया तुम्हारे बंदा है स्कारल, उस्कारल लेके नहीं मार पा रहे, तुम कट्टे से मारोगे, जब हाथ में है मेरी M4 तो क्यों मुझसे भिड़ते हो। अब ठिल गया तुम्हारा स्क्वाड, जाओ लगाओ भैया नया मैच। भैया इन चारों को ठिलाने के बाद हम आते हैं यहाँ हिल पे, यहाँ पे क्योंकि बहुत स्पीड से आया था दो बंदे, एक को लो करने के बाद वो बच जाता है, लेकिन जैसे तैसे करके उसके एक बंदा को हम ठिला देते हैं। तो भैया देखो दूसरा बंदा को, दूसरा बंदा को बहुत लो करने के बाद लेकिन हमें वो किल नहीं मिलता है। चलो कोई नहीं, हम करते हैं इनको रिवाइव, चलो मैं गाड़ी बाइक लेकर लेते हैं, आगे फ्लेयर चला था, हम जाते हैं वहाँ। जैसे ही मैं वहाँ गाड़ी आते हैं आगे। तो बीच में मिलता है बग्घी, तो भैया हमको पता नहीं हम क्यों नहीं फायर किए थे, याद भी नहीं है भैया। भैया एक को नॉक करने के बाद हमारे अंदर आता है बहुत ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंस, पर भैया हम मार देते हैं इनको, कभी कभी ओवर कॉन्फिडेंस भी बहुत ज़रूरी है। वहाँ फाइट हो रहा था स्कूल में, हम करते इग्नोर क्योंकि हम हैं प्रो प्लेयर, हम करते इग्नोर, हम हैं प्रो प्लेयर, हम जाते हैं आगे फ्लेयर में क्योंकि वहाँ पे मिलता है डगन। यहाँ आने के बाद हमें मिलता है भाई, यहाँ पे तो गाड़ी ही गाड़ी आ रहे हैं, इसको बहुत लो मारते करने के पुराने में बाद हम जाते आगे। देखो भैया यहाँ पे बैक टू बैक दो नो करने के बाद भैया हम खोजते इनके लास्ट बंदे को कहाँ है, मिलता नहीं है वैसे वो, ना। इसको पहले फिनिश करते हैं, उसके बाद लास्ट बंदा कहाँ रहता है तब तक थोड़ा माल ले लो भैया। लास्ट बंदे को ये लोग ठिला देते हैं, मारा साथ ही भाई साथ एक बकरी। बॉट अंकल आते हैं, इनको पहले लपेटे में ले लिया जाए। उसके बाद यहाँ पे फाइट हो रहा था तो भैया हम आते हैं यहाँ, बहुत सा खतरनाक स्प्रे मारने के बाद बंदा होता है नॉक, हम जाते हैं स्पीड में आगे। उसके बाद हम करते हैं एक नेट, काहे कि कभी भी आप ऐसे रश करो ना भैया तो सांप ऊपर रहते हैं, तो नेट उठ फेंक दो भैया, क्या पता नेट से मर जाए। मरा नहीं लेकिन मेरा किस्मत खराब, आपका थोड़ी होगा, आप मार सकते हो भैया। पहले इनको फिनिश करते हैं, देखो देखो यही सांप से बचने के लिए हम नेट किए थे भैया, समझ रहे हो ना तुम। यहाँ से हम निकलते हैं, बैठो यार भैया, फिर हम लोग निकलते हैं। देखो भैया वैसे हम है बहुत खतरनाक प्रो प्लेयर भैया, हमको कोई कभी मार ही नहीं सकता भैया, मतलब हम कभी नॉक ही नहीं होते गेम में भैया। और भी भैया पीछे से देखो गाड़ी, देखो भैया हम कैसे उनको मारेंगे, एक स्प्रे में चार बंदे को लेंगे। देखो अभी हम, आप देखो सिर्फ आए, अबे ई का हो गया बे, अबे हम कैसे नॉक हो गए बे, अबे लगता ओ पिंग हाई है बे, ओ भैया भैया पिंग हाई है भैया, वैसे हम कभी नॉक नहीं होते लेकिन अब आज मेरा पता नहीं पिंग हाई हो गया, तो भैया इसी के लिए हम नॉक हो गए भैया, पिंग हाई हुआ था पिंग।
रिवाइव होने के बाद भैया आगे आगे होती है फाइट। तो देखो भैया उनको तो भैया हम पक्का मारेंगे। हाँ मेरा पिंग आया हुआ था, आगे थोड़ी होगा, जल्दी से हम करते हैं हीलिंग, उसके बाद देखो क्या ही सीन होगा। गाड़ी में बैठो भैया फटाफट, एक ही स्प्रे में सबको मारेंगे भैया, मजाक थोड़ी है। एक चच्चा गए, ई चच्चा को लो करने के बाद एक और चच्चा गए, वाह वाह वाह। देखो भैया हम बोल रहे ना यार, हम बहुत खतरनाक खेलते हैं, वहाँ तीन है ये। देखो भैया देखते ही देखते ऑल डेड, आप देख सकते हो भैया हम है, तुम्हें विश्वास हुआ हम खतरनाक खेलते हैं भैया। यहाँ पे भी देखो मतलब क्या ही भैया, देखो यहाँ भी हम कितना खतरनाक मारेंगे बंदे को, हम कभी नौके नहीं होते हैं साला कैंपर। अबे यार भाई अब हम क्या करें भैया, कैंपर लोग मार सकते भैया, भैया कैंपर लोग कुछ भी कर सकता भैया, कैंपरों से कौन बच पाया है आज तक, कैंपरों से कोई बच पाया जो हम बचेंगे। देखो वैसे भैया नॉक नहीं होते लेकिन कैंपर उम्पर लोग से हम नहीं सकते भैया। यहाँ से करते फटाक से रिवाइव हीलिंग, हीलिंग करते भैया हम, यहाँ से हीलिंग वीलिंग करने के बाद लूटपाट करने के बाद हम जाते हैं आगे। बचता है एक ही बंदा तो हम सोचते हैं क्यों ना इससे मित्र, इसको मित्र बना ले, टीम अप कर ले इसके साथ। उछल कूद करते तो भैया वो भैया भी उछल कूद करते हैं, देखो मस्त वाला एकदम वाओ। भैया चिकन डिनर आपको बोले थे ना हम, सस्ता वाला महंगा वाला जो भी चिकन। हेलो भाई, इन भाई से काफ़ी देर बात करने के बाद थोड़ा इंस्टाग्राम वाला रील बना लेने के बाद थोड़ा डांस होगा, ढिंचक पूजा, ढिंचक पूजा वाला ना सेल्फी मैंने ले ली वाला गाना वाना बजेगा यहाँ पे भी यार, एकदम डांस उन्स होने के बाद गलत सीन क्या होगा अभी आप देखो भैया। हम क्या करते हैं ना, हम बोलते हैं अपना दो नंबर को बोलते हैं भाई तुम मौली मार लो अपने ऊपर, पहले डांस उन्स कर लेते हैं, उसके बाद हम बोलते हैं नंबर दो ब्रो एक काम करो थोड़ा हम भी अपना स्टेप दिखा देते हैं क्योंकि हम भी डांस सीडर डांस में गए थे एक दिन, इसको बोलते तुम लो मौली खाओ तुम मरो, उसके बाद हम लोग करेंगे एक नेट चैलेंज। नेट चैलेंज में हम उनको बोलते भैया हम नेट फोड़ेंगे, जो जीता उसका चिकन, तो भैया बोलते ठीक है, तो हम बोले चलो फिर ठीक है हम नेट निकालते हैं भैया। उसी के साथ बताओ आप जल्दी से किसका चिकन होगा, कमेंट करके ज़रूर बताना। फाइनली भाई हमारा सस्ता वाला चिकन हो चुका है भैया,